क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इफ ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है आपका बी सी पे, वैल्यू दी हुई है बी डी की 4 दी हुई है, लिखते चलते हैं, ए डी की 6 दी हुई है और फिर उसके बाद सी डी की 9 दी हुई है। यू हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल ए डी बी एंड सी डी ए, ए डी बी एंड सी डी ए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है फिर लास्ट में कि एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल बी ए सी 90 डिग्री है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करवाने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी, क्या लिखा हुआ है नाम, हाँ एडीबी, ए डी बी एंड सीडीए, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखने वाले हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो एडी अपॉन बीडी कितना है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 6/4 एंड ए डी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू 6/9। तो 6/9 करेंगे तब तो नहीं आ पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, सी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू, सी डी की वैल्यू हाउ मच 9 है और ए डी की वैल्यू कितनी है 6 है, अब तो ठीक है। तो इधर अगर इसको रिड्यूस करते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, हो तो क्या, ये प्रोपोर्शनल था, मुझे दिख रहा था, मैंने लिख दिया, तो देयरफॉर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 3/2 एंड ये तो हुआ साइड का प्रोपोर्शन, साइड प्रोपोर्शन में आ गए, दोनों 3/2 के इक्वल हैं, और साथ ही साथ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और ये दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर हमारे पास क्या मिलता है, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए, बाय विच एक्सियम, बाय ऐसे एस एक्सियम। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, तुमको क्या करना है, बी ए सी को राइट एंगल प्रूफ करवाना है, उससे पहले यहाँ पे जो लोचा हुआ, मतलब कि सी डी ऊपर ए डी नीचे हुआ, उसकी वजह से देखो एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे आप, तो देयर फोर, अब सिमिलर हैं तो बाकी सारे एंगल इक्वल, देयर फोर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंड ये पहला एंगल हुआ बी ए डी, दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ, और फिर पता चला कि ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगी, यानी कि लिखेंगे हम एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी डी, ठीक है, ये मान लेते हैं इसको पहला, और ये हो गया हमारा दूसरा, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लेते हैं, एंगल बी ए डी में क्या ऐड करने वाले हैं, एंगल सी ए डी ऐड करने वाले हैं, एंगल ए सी डी में क्या ऐड करने वाले हैं, एंगल ए बी डी ऐड करने वाले हैं, बी ए डी सी ए डी, बी ए डी सी ए डी, क्या मिला पूरा मिलके, एंगल बी ए सी, ये दोनों मिला के मेरे को क्या मिला, इकलौता एंगल बी ए सी मिला, और एंगल ए सी डी ए बी डी क्या है, ये तो ये दोनों एंगल है ए बी डी ए सी डी, ये तो इधर इधर वाली एंगल है, अच्छा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल में होना क्या है, किसी ट्रायंगल में 3 एंगल मिला के हमको कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए बी सी ए बी डी सॉरी ए बी डी इज इक्वल टू हाउ मच, 180, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस पूरे बी ए सी की, इस पूरे की और इस पूरे की, ये 3 एंगल पूरे ट्रायंगल ए बी सी में मिला के 180 होगा। हमको पता है कि ए सी डी और ए बी डी किसके इक्वल है, ए सी डी ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के, तो हम ए सी डी ए बी डी की जगह पे फिर से एक बार नीचे लिख देते हैं एंगल बी ए सी, और यहाँ पे भी हो गया मेरा एंगल बी ए सी, कितना आ गया 180, ट्वाइस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाउ मच 180,
तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आई, 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इज राइट एंगल, हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, अगर दो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं जो इक्वी एंगुलर हैं, मतलब उनके एंगल्स पहले से ही आपस में सेम हैं, तो प्रूफ करना है कि जो रेशियो होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, जो सिमिलरिटी से हम लाते हैं, वो इक्वल है उनके करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के। तो यहाँ पे हमको कुछ दिया तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि लेट ए बी सी एंड डी ई एफ बी द इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स एंड ए एल एंड डी एम आर देयर करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। अब जो चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ए बी सी डी एफ डी एफ। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनाया मैंने जिसका नाम हम क्या लिखेंगे, ए है यहाँ पे रहेगा, बी सी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से मुझे एल्टीट्यूड भी लाना है ना ए एल। फिर उसी तरीके से दूसरा एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, और दूसरे ट्रायंगल में देखो यहाँ पे डी यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, एफ होगा। ऑलरेडी ये दोनों इक्वी एंगुलर हैं, मतलब सिमिलर हैं एक दूसरे के, और एल्टीट्यूड हमने बोला है ए एल, और दूसरे में एल्टीट्यूड बोला है हमने डी एम। तो आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि जो साइड्स का करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, यानी ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ये इक्वल है इनके करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी। ये आपको प्रूफ करना है कि मतलब साइड्स का प्रोपोर्शन जो है ना एल्टीट्यूड के भी प्रोपोर्शन के इक्वल है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर तुमको दिख रहे हैं, तो सिमिलर दिखने की वजह से एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, इक्वी एंगुलर दिया हुआ है, हम लिख देंगे अभी, एंड साथ में ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, इसको पहला मान लो। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि सिंस ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर इक्वी एंगुलर है तो सिमिलर होंगे कौन से एक्सियम से, बाय ए एक्सियम से, चाहो तो आप लिख सकते हो। अब क्या करेंगे हम, ये चीजें तो हम लोगों को मिल गई, तो अब दो ट्रायंगल्स उठाओ, इन ट्रायंगल ए बी एल, ए बी एल एंड ट्रायंगल डी ई एम। देखो यहां पे ध्यान से, अभी एंगल बी एंगल ई की इक्वल मैंने लिख दिया क्योंकि इक्वी एंगुलर था, परपेंडिकुलर ये भी, परपेंडिकुलर ये भी, तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर, लिख दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये कहां से लेके आए हो, फ्रॉम फर्स्ट, एंड एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई, ये क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम बाई विच एक्सियम, बाई ए ए एक्सियम। तो देयरफॉर अगर ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो गई, तो देयरफॉर इसका साइड ए बी, उसका साइड डी इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर ए एल और उसका परपेंडिकुलर डी एम, ये कौन सा हो गया, दूसरा। अब तुम देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप खुद से देखो, ए बी डी बी सी ई एफ के इक्वल है और यहाँ पे ए बी डी ए एल डी एम के इक्वल है, तो दोनों को कंबाइन कर दो, तो देयरफॉर ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए एल अपॉन में
डीएम, और तुमने प्रूफ कर दिया कि 100 साइड्स का प्रोपोर्शन है वो करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है द डायगनल बी डी ऑफ अ पैरलोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ए एट पॉइंट एफ। तो ये जो है ए पॉइंट इंटरसेक्ट करता है ई पे और ये बी सी पे, और यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ए इंटरसेक्ट करता है बी डी को एफ पे। तो आपको प्रूफ करना है कि डी एफ इंटू ई एफ इजक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए। एक मिनट, डी एफ इंटू ई एफ यानी ई एफ एफ बी, एफ बी और एफ ए। अच्छा, तो मेरे को कौन कौन से ट्रेंगल चाहिए, ये वाली ट्रेंगल चाहिए और ये वाली ट्रेंगल चाहिए। मैं इन दोनों को सिमिलर दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ए एट पॉइंट एफ, ए एट पॉइंट एफ वेयर ई इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, प्रूफ दैट। तो देखो, मेरे को ये साइड से पता चला ना, कि साइड की वजह से मैंने पता कर लिया कि ये दोनों ट्रेंगल मुझे दिखानी है। अब इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हम सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो जाएगा, आसान है। और देखो यहाँ पे अगर देखो तो ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट भी है, हो गया सॉल्यूशन, यहीं पे मिल गया, साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इसके बाद। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एएफडी एंड ट्रायंगल बीएफई, कौन कौन सा एंगल, एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल ई बी एफ, है ना, ई बी एफ। और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल पैरलोग्राम है, तो पैरलोग्राम में ये एंगल अल्टरनेट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखो, एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल बी एफ ई, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिंस दो एंगल इक्वल है किसी दो ट्रायंगल में, देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ टी सिमिलर टू ट्रायंगल बी एफ ई। और किस एक्सियम से हुए ये, ए ए एक्सियम से। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, डी एफ अपॉन में एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ इसका, ई एफ उसका, एफ ए अपॉन में ई एफ। और आपको चाहिए क्या था, डी एफ इंटू ई एफ चाहिए था, लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर डी एफ इंटू ई एफ इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, एफ बी पहले एफ ए बाद में, हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्रायंगल डीईएफ, एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्रायंगल डीईएफ इज जॉइंट टू इट्स वर्टिसेस, उसको वर्टिसेस से जॉइन कर दिया, चलो तीनों तरफ से, फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डीएक्स, डीएक्स पे पॉइंट पी है, पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू डी, यानी यहाँ पे मैं साइन भी लगा दूँ, ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है, मीटिंग एक्स ही एट क्यू, ठीक है, क्यू पे मिला, ये पी क्यू पैरेलल हो गया इसके, एंड क्यू आर इज ड्रॉन, क्यू आर, अच्छा ये वाला ड्रॉन पैरेलल ई एफ, इसको इसके पैरेलल बनाया गया है और मीट कर रहा है ये एक्स एफ पे एट आर। आपको प्रूफ करना है कि पी आर पैरेलल है डी एफ के, दो तरफ से दिया हुआ है, एक तरफ से आपको प्रूफ करना है। तो देखो यहां पे ये एक दिया हुआ है और दूसरा यहां दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे क्या है, डी है, पी है, एक्स है, क्यू है, ई है, हाँ ठीक है, ये वाला ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, ये देख लो साइन भी मैं सिंगल यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो ये वाला मैंने ये पोर्शन हटा लिया वहाँ से, फिर इधर कौन सा पोर्शन हटाया मैंने, इसको एक्स रखना है मुझे, ये क्यू आर है मेरा और ये मेरा ई एफ है, ये जो थर्ड वाला है ना, इसको मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। अभी क्या करेंगे, देखो दो तरफ से तो ये मिल ही रहा है आपको, तो पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा रेशियो आ रहा है। तो सॉल्यूशन, अब देखो सारी चीज़ें गिवन वगैरह सब कुछ लिखना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन लिख सकते हो तुम, वो तो तुम्हें लिखना भी चाहिए क्वेश्चन सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन मेरे सामने सारा क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्यूशन डायरेक्टली कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा लिया है मैंने, डी एक्स ई,
डी एक्स ई, सिंस पी क्यू पैरेलल डी ई। अगर पी क्यू पैरेलल है डी ई के तो देयरफोर क्या होगा, लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में है, पी एक्स अपॉन में पी डी इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी डी लिए हैं तो इधर से भी क्यू एक्स अपॉन में क्यू ई लेना पड़ेगा, क्यू एक्स अपॉन में क्यू ई। और ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। अब इनकी भी बात कर देते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा लिया है, एक्स ई एफ, ठीक है। सिंस क्यू आर पैरेलल ई एफ, और ये चीज ना गिवन है भाई, ऑलरेडी ये चीज गिवन है, ठीक। तो क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, देयर फोर क्यू एक्स अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन में आर एफ। ये सेकेंड वाला, ये क्यू एक्स अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन में आर एफ। तो अब इन दोनों से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंबाइन करो तो तुमको क्या मिल रहा है, देखो पी एक्स अपॉन में पी डी क्यू एक्स क्यू ई के इक्वल, और वही क्यू एक्स क्यू ई आर एक्स और आर एफ के इक्वल। तो हम अगर इसको रिमूव कर दें मिडिल वाला पोर्शन, तो यानी कि पी एक्स अपॉन में पी डी इक्वल है क्यू एक्स क्यू ई के, और क्यू एक्स क्यू ई इक्वल है आर एक्स आर एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स और पी डी कहाँ गया, ये रहा पी एक्स, ये रहा पी डी, और उसके बाद कौन है आर एक्स, और ये रहा आर एफ। इसका मतलब ये साइड भी प्रोपोर्शनल में आ गए, तो साइड प्रोपोर्शनल में है सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल के लिए निकल के आया है, डी एक्स एफ, डी एक्स एफ, ठीक है यहीं तक है डी एक्स एफ, देयर फोर पी आर पैरेलल डी एफ, ठीक है। साइड जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो गए, या फिर इसको ना भी लिखो ना कोई दिक्कत नहीं है, साइड प्रोपोर्शनल में आ गया ना, तो देयर फोर यहाँ से यही तो साइड मिल रहा है, और वो साइड कौन सी है, पी आर पैरेलल डी एफ, बस यहाँ पे हो गया सॉल्व।